हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पदार्थ की। पदार्थ क्या है? अभी जैसे कि हमने आपस में विमर्श किया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई एक संरचना है। दुनिया में जितने भी चीजें दिख रही हैं, वो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। उसी पे चर्चा करे थे हमने। जो पदार्थ हैं, वो छोटे कणों से मिलकर बने हैं, और ये जो छोटे कण हैं, वो इतने छोटे हैं कि हमारी आंखों से, नग्न आंखों से, बिना किसी माइक्रोस्कोप के हमें दिखाई नहीं देते। एक और महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें? महत्वपूर्ण बात ये है कि वो जो कण है इतने बारीक है कि उन्हें हम और अधिक भागों में तोड़ेंगे नहीं। जैसे चौक मेरे हाथ में है, इसे मैं तोड़ते जाऊं तो ये छोटी होती जाएगी। छोटी होते होते एक समय ऐसा आएगा कि इतनी छोटी हो जाएगी कि हम उसे और अधिक भागों में नहीं तोड़ पाएंगे। तो जो आखिरी भाग होगा, जिसे हम और भागों में नहीं तोड़ सकते, उसे हम कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। देखिए, हमने पदार्थ को बताया कि कणों से मिलकर बने हैं, और कण का सबसे सूक्ष्मतम रूप परमाणु है, और परमाणु के बाद की कहानी अब हम समझेंगे कि परमाणु के आधार पर कैसे हमारे जो पदार्थ है उसका भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण हम पदार्थ के गुणों के आधार पर, उसकी संख्या के आधार पर कैसे करते हैं। ठीक, हम बात करते हैं पहले भौतिक वर्गीकरण की। परमाणु के आधार पर हम भौतिक वर्गीकरण करेंगे। पदार्थ किसका वर्गीकरण हो रहा है यहाँ? पदार्थ का। किसके आधार पर हो रहा? परमाणु के। भौतिक यानी बाहर से दिखने वाली चीजों को हम भौतिक चीजें बोलते हैं। ठीक है, संख्या देखने में अपने समझ में आता कम है कि ज्यादा है। मान लीजिए इस हाथ में 4 लड्डू रखे, इसमें 5 लड्डू रखे, तो आप देख के बता सकते हैं कि कहां पर ज्यादा लड्डू है। यस सर। 5 ज्यादा है कि 4? 5। हम समझ जाते हैं। यस सर। अब हम इसका जब भौतिक वर्गीकरण करते हैं, तो हम 3 यहाँ ऐसे छोटे चित्र बनाते हैं और उसके आधार पर इसको बांटेंगे। पहले चित्र में हम ये तीनों डिब्बे मान लीजिए, आप उदाहरण के लिए आपको समझना है ना, तो डिब्बे समझिए, तो ये कोई जार रखे हुए। अब इसमें हम एक जार में कुछ कम कण भरते हैं, थोड़े से कण भर देते हैं, है ना। दूसरे वाले जार में हम कणों की संख्या को बढ़ा देते हैं, कुछ ज्यादा कण भरते हैं, और तीसरे वाले जार में हम इतने ज्यादा कण भर देते हैं कि उसके अंदर जो एक कण से दूसरे कण के बीच में जो खाली स्थान होना चाहिए वो भी नहीं बचने देंगे। टोटल खत्म या रहा अभी तो बहुत कम है। पूरा भर दिए, अब ये बिल्कुल पास हो गए हैं कण। कणों की मतलब इसमें कणों के बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं है। ये पहला चित्र था, इसमें कण बहुत कम है तो रिक्त स्थान बहुत ज्यादा है। दूसरे वाले कण में कण इससे तो ज्यादा है, पहली वाली स्थिति से ज्यादा कण है, लेकिन दूसरी वाली स्थिति से कम है, स्थिति से कम कम है, तो ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। तो इनके बीच का जो रिक्त स्थान है वो भी ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, और तीसरी स्थिति में रिक्त स्थान बचने ही नहीं दिए, पूरे कणों को ठूस ठूस कर भर दिए उसके अंदर। समझ रहे हैं बच्चों आप लोग? यस सर। तो देखिए, जो पहली स्थिति थी जिसमें बहुत कम कण है, इसे हम गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस। दूसरी स्थिति, अच्छा जो आखिरी स्थिति उस पे आते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा कण हमने भर दिए, इसमें खाली स्थान बचे ही नहीं, इसको हम ठोस। क्या बोलते हैं? ठोस। और तीसरी स्थिति जिसमें ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है, इसे हम द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? द्रव। ठीक, तो ठोस, द्रव और गैस, ये हो गया हमारा भौतिक वर्गीकरण। कणों की संख्या या कणों की उपस्थिति के आधार पर ज्यादा बहुत ज्यादा कण अगर किसी पदार्थ में है तो वो ठोस हो, अगर बहुत कम कण किसी पदार्थ में तो हवा हो जाएगा, गैस जैसे, ये है ना। अच्छा, कण होते हैं, अपने को एहसास भी होता है कि कण है, लेकिन अपन देख नहीं पाते। देखिए, जब आप तेजी से हाथ घुमाते हैं, आपको हवा चलने का एहसास अपने हाथ में होता है। यस सर। आप बाइक चलाते हैं तब आपको ऐसा लगता है कुछ टकरा रहा है। यस सर। और आपको पता है हवा टकरा रही है, लेकिन हवा क्या है? हवा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना पदार्थ का ही एक रूप है, पदार्थ का ही एक प्रकार।
इतना समझ में आया? यस सर। सेकंड, ये पदार्थ या बने परमाणुओं से परमाणुओं की संख्या के आधार पे हमने ठोस द्रव गैस में बदल दिए। अब बेटा हम इन परमाणु के गुणों के आधार, परमाणु भी अलग अलग पदार्थ के अलग अलग परमाणु होंगे, होंगे कि नहीं? यस सर। तो हम परमाणु के गुणों के आधार पर एक से परमाणु है या दो अलग अलग प्रकार के परमाणु मिले हैं या ढेर सारे मिक्सचर हो गए, मिक्स मिश्रित हो गए हैं, वो सारी चीजों को देखते हुए हम पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण यहाँ पर करने वाले हैं। अभी हमने सिर्फ संख्या देखी थी, कम है कि ज्यादा। अब हम देखेंगे एक से है कि दो प्रकार के हैं या तीन प्रकार के हैं या कई प्रकार के, बराबर बराबर संख्या मिले हैं, निश्चित संख्या मिले हैं कि ऐसे मिल गए खिचड़ी जैसे, इस पे बात। Yes, sir. अब बात करें फिर से हम तीन बर्तन लेते हैं उदाहरण के लिए, है ना? तीन बर्तन नहीं लेंगे इस बार तो दिक्कत नहीं है। अच्छा कहाँ लेंगे? दीजिए, हम इस बार तीन बर्तन नहीं लेते हैं, इस बार हम शुद्धता की बात करते हैं। एक होगा बिल्कुल शुद्ध, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना, सिंगल, उसमें कोई दूसरे परमाणु नहीं मिले रहेंगे, एक ही प्रकार के परमाणु उसके अंदर होंगे, सिंगल। जैसे उदाहरण के लिए सोना एक धातु है, yes, सोना जो बना है उसके अंदर टोटल सोने ही सोने के परमाणु रहेंगे, yes, सर, है ना? जैसे लोहा है तो लोहा के अंदर लोहा ही लोहा के परमाणु रहेंगे, किसी दूसरे परमाणु नहीं मिलेंगे। जब तक वो मिक्सचर नहीं हो तब तक, ओरिजिनल जब तक है तब तक वो एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर बने होते हैं। और वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, सिंगल परमाणु में एक ही प्रकार के कई सारे परमाणु होंगे, एक नहीं एक ही प्रकार के ढेर सारे परमाणु होंगे, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? तत्व। और अच्छे बच्चों उसको हम कहते हैं तत्व। एक हो गया हमारा। दूसरे नंबर पर अब एक कंडीशन खत्म होगी, एक ही प्रकार की, एक प्रकार का गुण गया, मतलब अब दो या दो से अधिक प्रकार की बात करेंगे हम। अब दूसरी स्थिति ये आएगी कि दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व जब आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे, दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व परमाणु ही है, शुद्ध है बिल्कुल, है ना? हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो पदार्थ, जो नया पदार्थ बनता है उसे हम कहते हैं यौगिक। योग करने से मिला ना, योग करने जोड़ना, दो या दो से अधिक कितने प्रकार के हो सकते हैं उनका एक अनुपात होता है, और निश्चित अनुपात में मिल रहे हैं तो क्या होंगे वो? यौगिक। बहुत अच्छे बेटा, तो दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु जब एक निश्चित अनुपात में मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं तो उस पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। अब भाई सिंगल प्रकार के परमाणु वाला ग्रुप में चला गया, उसको तत्व बोल दिए। दूसरी स्थिति बनती थी कि भाई दो या दो से अधिक प्रकार के हों तो दो या दो से अधिक प्रकार के मिलेंगे, तो उसकी दो स्थिति बनती है, दो या दो से अधिक प्रकार के मिलेंगे लेकिन एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे या अनिश्चित अनुपात में मिलेंगे। दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु जब निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो यौगिक, और दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु जब अनिश्चित अनुपात में मिलेंगे तो मिश्रण। तो मिश्रण। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठोस द्रव गैस पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण, तत्व यौगिक मिश्रण पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। बात करते हैं कि ये तत्व जो हैं वो हैं कितने, तत्व इस धरती पर हैं कितने। अभी तक ज्ञात तत्वों में जो टोटल तत्व अब तक ज्ञात किए गए वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत अनुसंधान के बाद वो हैं 118। कितने? 118 तत्व खोजे गए। जो आवर्त सारणी आप पढ़ते हैं, आवर्त सारणी में जितने पूरे जो तत्व हैं, जितने भी डिब्बे हैं वो काहे के हैं? तत्वों के। आवर्त सारणी किसकी बनाएगी? तत्वों की आवर्त सारणी बोलते हैं, तत्वों की। यौगिकों की आवर्त सारणी होती क्या? नहीं भाई, मैंने तो नहीं पढ़ा। मिश्रण की आवर्त सारणी होती क्या? नहीं, तत्वों की आवर्त सारणी। तो जितने डिब्बे हैं आवर्त सारणी में उतने तत्व खोजे जा चुके
और अभी निरंतर खोज जारी है। भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि और ऐसे तत्व हमें मिले जिनका ज्ञान अभी वर्तमान समय में हमारे पास नहीं है, है ना। जैसे अनुसंधान के दौरान रेडियम हमें मिला, मैडम क्यूरी ने खोजा। अनुसंधान के दौरान यूरेनियम का पता चला, अनुसंधान के दौरान थोरियम का पता चला, अनुसंधान के दौरान अनेकों अनेक तत्व हमें मिलते जा रहे हैं, है ना। कई प्रकार के तत्व जो खोजे गए हैं उनको आवर्त सारणी में शामिल किया जा चुका है। तो आज हमने सीखा पदार्थ के बारे में, और हमने सीखा पदार्थ की संरचना के बारे में जो कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, और हमने सीखा कि जो सूक्ष्मतम कण है उसे हम परमाणु कहते हैं, इसे और अधिक भागों में नहीं तोड़ा जा सकता है, और हमने परमाणु की संख्या और परमाणु के गुणों के आधार पर पदार्थ का भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण करना यहाँ पे सीखा, और हमने ये पाया कि जब पदार्थ के कण बहुत कम हो, किसी पदार्थ में जब परमाणु बहुत कम हो और स्पेस बहुत ज्यादा हो, परमाणु के बीच का जो रिक्त स्थान है वो बहुत ज्यादा हो, तो गैस। जब बहुत पास पास हो परमाणु, रिक्त स्थान बिल्कुल नहीं के बराबर हो, तब ठोस। और जब ना बहुत पास पास हो परमाणु और ना बहुत दूर दूर हो, तब द्रव। द्रव गैस। इसके बाद बात कर रहे थे हम रासायनिक वर्गीकरण। एक ही प्रकार के परमाणु मिले तो तत्व, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु जब निश्चित अनुपात में मिले तो योगिक, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु जब अनिश्चित अनुपात में मिले तो मिश्रण। समझ में आ गया? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, बजाओ।